हाँ तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक ही सिंगल कैमरा से मल्टी कैमरा सेटअप कर सकते हैं अच्छे से एकदम और पूरा एकदम रॉब सब जम जाएगा पूरे YouTube के ऊपर हर चीज में बिल्कुल लो बजट के अंदर हम कैसे सेटअप कर सकते हैं एक मल्टी कैमरा सेटअप और एक ही कैमरा से, तो वो सब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो नमूना तो आप लोग पहले देख चुके हो, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को हैप्पी बर्थडे इंडिया वर्ल्ड के अंदर 20 मिलियन लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है लक्ष्य, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टेक 1 to 1। हाँ तो यार अब काफी लोग मेरे से पूछते हैं यार तेरे पास कितने फोन है, 2 फोन है कि 3 फोन है, तो इतने ज्यादा लाइक अलग अलग शॉट्स कैसे ले लेता है, उसको कट करके कैसे मतलब कैसे करता है उसको कि वो ऐसा लगता है कि स्मूथलेस शॉट है और 3-4 कैमरा अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं पर दिखते नहीं है वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये सब कुछ आप आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट फिल्म भी शूट कर रखी है जो कि फुल हैंडेड सिंगल कैमरा से शॉट करी गई है और वो भी हैंडहेल्ड है, वो किसी गिम्बल से नहीं करी, किसी ट्राइपॉड पे नहीं करी, हैंडहेल्ड मोशन में करी है और उसके अंदर भी हमने काफी सारे टाइप ऑफ लाइक ऐसा लगता है कि 2-3 कैमरा अलग अलग जगह प्लेस कर रखे हैं। तो एक स्मार्ट फिल्म टैक्टिक्स है जो कि मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो जिसके अंदर क्या होता है कि चाहे आपके पास एक ही सिंगल कैमरा हो, उससे सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम 2 कैमरा सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, मतलब एक तरीके से आपको डबल शॉट्स लेने पड़ते हैं, बट जो फाइनल रिजल्ट आता है वो उस मेहनत को सरपास कर देता है और जो भी उसको देखता है उसको यही लगता है, वो पूरा यकीन हो जाता है कि इसने मल्टी कैमरा सेटअप डाल रखा है, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी काफी हाई है। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉट दिखा देता हूँ जो मैंने अपनी फिल्म में डाल रखा था। देखो आपको भी ये देख के लगा होगा कि हाँ भाई 3-4 कैमरा जो यहाँ पे रख रखे हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी लाइक जो इंट्रो के अंदर भी यूज करा वो भी लाइक मैंने इसी कैमरा से रिकॉर्ड करा है, मेरे पास और कोई फोन नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास 2-3 और फोन्स हैं भी हैं तो उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत कम है। अब जैसे ये इस वाला जो मेरे पास फोन है इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो इतनी बेकार है कि मैं इसे शूट करूंगा और इसके साथ अगर मैं लगा दूंगा ना तो बहुत बेकार कॉम्बिनेशन बनेगा। बट मैं जो ऐसे शूट कर रहा है वो सब कुछ एक ही कैमरा से है, तो वो जो वीडियो की फ्लुएंसी है वो भी बनी रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली सिंपल सा सीन ये है कि आपको पहले तो पूरा एकदम जो सीन है वो अपने माइंड में एक तरीके से फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जब मैंने अभी ये इंट्रो शूट करी थी जो ये वाली, इसके अंदर मैंने थोड़ा सोचा था पहले 1-2 घंटा बैठ के कि मैंने लाइक शूट क्या करना है, मैं कैसे क्या करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जैसे बोला कि मैं यहाँ पे मैंने वीडियो की स्टार्ट करी और उसके बाद मैं टर्न होके इधर आया हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पहले से प्री रिकॉर्ड करके अपने दिमाग में मैं देख रहा था इसको कि मैं कैसे करूंगा ये, ठीक है। तो मैंने लाइक एक तरीके से स्क्रिप्ट जो है अपने दिमाग में बना ली थी कि मैं जब वीडियो को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैंने स्टार्ट करा, मैंने बोला कुछ, उसके बाद मैं इसे टर्न करूंगा, फिर मैं वीडियो को कट करूंगा, कैमरा उठा के इधर रखूंगा, ठीक है, कैमरा उठा के इधर रखूंगा, फिर अपना जो वीडियो है वो दोबारा से इधर शुरू होके इधर से कट करके ऐसे बोलूंगा। तो आपको पहले अपना एक सीन तैयार करना है कि आप जो सीन में करना क्या चाहते हो। जैसे मैंने सीन के अंदर 3-4 चीजें करी है कि मैंने पहले कैमरा उठा के यहाँ रखा, अपना जो है एक कैमरा एंगल से दूसरे कैमरा एंगल पे आया, फिर मैंने अपना फोन उठाया उसका एक मैंने सेपरेट शॉट लिया। अब ये सब कुछ हम देखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या करना है कि आपने आप सिंगल जगह पे एक बैठे हुए, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जो है ट्राइपॉड से शूट करने की कोशिश करना क्योंकि हैंडहेल्ड मोशन जो है वो कट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ट्राइपॉड पे अगर आप शूट करोगे तो इजी रहेगा सबके लिए एडिट करने के अंदर भी। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे शूट करा उसके बाद आप जैसे बोल के हट गए कि तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मल्टी कैमरा सेटअप सीखने वाले हैं कि हम उसको कैसे फेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो ट्रांजिशन है उसको थोड़ा टाइम देना, लाइक अब बोलना शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्ड बोलते बोलते ट्रांजिशन करोगे तो जब आप उसको कट करोगे ना तो वर्ड कट जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लाइक टाइम दे सकते हो या फिर अगर आप काफी प्रोफेशनल हो तो आप टाइमिंग को मैच कर सकते हो अपने वर्ड की, लाइक वीडियो, और फिर जब आपने मान लो कि कैमरे को उठा के रख दिया यहाँ पे और उसके बाद आप इसको बोलोगे वीडियो, ठीक है। और पोस्ट के अंदर जाके आपने क्या करना है, दोनों शॉट्स जो है वो रखने और उसको कर देना है ट्रिम। अब मैं जनरली यूज करता हूँ फिल्मोरा, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मर्जी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम जो है ट्रांजिशन वगैरह कर सकते हैं इजी तरीके से। तो लाइक फिल्मोरा के अंदर जो है वो मेरे को काफी इजी लगता है स्प्लिट ट्रांजिशन डालना, बट आप लाइक प्रीमियर यूज करते हो, आफ्टर इफेक्ट यूज करते हो, उसके अंदर भी आप जाके कर सकते हो। आपको बस क्या करना है कि जब आपकी ट्रांजिशन का मोमेंट आता है उसके अंदर आपको लाइक कट मारना है, उसका नेक्स्ट सीन प्लेस कर देना है दूसरा सीन, तो ऐसे लगेगा कि आपने जैसे अपना हेड इधर घुमाया
उसके बीच में कैमरा इधर से उठ के इधर आया है, बट लोगों को ऐसा लगेगा कि दो कैमरा सेटअप है क्योंकि वो इतना रियल टाइम हो रहा है, ठीक है, वो काफी ज्यादा रियल टाइम हो रहा है। उसके बाद मैं अगले शॉट पे आऊं जो कि मैंने लिया था कि मैंने इधर मैं बोल रहा था और मैंने कहा था ऐसे फोन ऐसे लिया मैंने और हाथ में पकड़ा और उसको ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अब ये जो है मैंने सारा एक ही सीन में शूट करा, ठीक है। मैंने क्या करा कि मैंने कैमरा जो है वो यहाँ रख रखा था और उसके बाद मैंने क्या करा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ऐसे फोन उठाया, ऐसे हाथ में देखा और रख दिया। उसके बाद मैंने ये वीडियो को बंद करा। तो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे जो है कैमरा एंगल कुछ इस तरीके से बना के यहाँ से मैंने कैमरा एंगल बनाया और उसके बाद मैंने बस ऐसे शूट कर लिया, छोड़ा था, एक फोन उठाया, निकाला, रखा, सिंपल। उसके बाद मैंने बस इसको टाइमिंग से मैच करके अपने फिल्मोरा के अंदर डाल दिया। इजी, जो इसके अंदर एडिटिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इजी रहता है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी सारी मेहनत है वो लग रही है आपके शॉट्स को सिंक करने में, ठीक है। जो आप रियल टाइम, जो आप मतलब कि कैमरा के अंदर कैसा होता है कि फिल्म मेकिंग में ऐसा होता है कि जो आप रियल टाइम असल जिंदगी में जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे आपको पोस्ट के अंदर उतना ही कम काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो मतलब एक्सपोनेंशियली कम काम करना पड़ता है उसके अंदर। अब इसके अंदर जो है एडिटिंग के अंदर हमें सिर्फ 3-4 सिंपल कट्स लगाने हैं, बहुत ही आसान है, जो कि आप कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि सिर्फ कट मारने हैं कि जब मैंने देखो उधर से मैं आया, मैंने हाथ ऐसे डाला, ये वाले सीन पे कट हो गया, उसके बाद जब मैंने यहाँ से फोन निकाल लिया तो मैंने वापस से उस वाले सीन पे कट कर दिया। बस ऐसे आपको सीन्स कट करने हैं, बस ये थोड़ा सा आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको टाइमिंग मैच हो जाएंगी इसकी भी। तो इसी तरीके से कुछ हम मल्टी कैम सेटअप जो है कर सकते हैं। अगर आप ये ट्राई करोगे तो जरूर मेरे को बताना इंस्टाग्राम पे, मेरे को डीएम करके बताना कि आपने मल्टी कैम सेटअप करा एक सिंगल कैमरा से फेक करके। तो इतना ही कुछ था आज की वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल में मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। एक्चुअली एक पार्ट जो है बताना भूल गया था कि जो ये इस टैक्टिक से जो आप फेक कर रहे हो मल्टी कैम सेटअप, इसके अंदर आप लंबे लंबे शॉट्स जो है वो फेक नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे जो शॉर्ट्स है, जो छोटी छोटी क्लिप्स है वही फेक कर सकते हो, क्योंकि जो आप सेम सीन है उसको आप दोबारा रिक्रिएट दोबारा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक सीन लगभग 2 बार शूट करना पड़ता है जो भी आपको पार्ट शूट करना है, ठीक है। तो लाइक इसके अंदर आप ऐसे छोटे छोटे एक्शन ही कर सकते हो, ज्यादा इसको लाइक बड़े स्केल पे नहीं कर सकते, लाइक मूवी जितने बजट पे नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वो अलग ही सीन आ जाता है जिसके अंदर आपको लाइक अलग अलग कैमरा एंगल चाहिए, जिसके अंदर आप अलग अलग लाइक एक्ट करो उसके अंदर, तो वो नहीं हो सकता इसके अंदर। आप इसके अंदर छोटे छोटे एक्ट कर सकते हो जो कि काफी इफेक्टिव रहते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए। सो बस यही पार्ट जो मैंने बाद में ऐड कर दिया कि काफी लोग जो है मैनिपुलेट ना हो जाए इसके थ्रू, ठीक है। ऐसी मस्त मस्त फिल्म मेकिंग टैक्टिक्स, फोटोग्राफी टैक्टिक्स जो है, सारी वीडियोग्राफी टैक्टिक्स और स्ट्रीमिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो मेरे चैनल पे काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर फ्री में। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज जय हिंद, वंदे मातरम, सनार और शब बखैर, बाय बाय। हर जात वाले लौंडे के हम साथ बड़े हैं, तभी पूरे शहर में ठाट बड़े हैं, मजा आने लगा है लोकल रहने में, नहीं तो गांव में तो अपने भी प्लाट पड़े हैं। सही 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 है भाई, मैं कहा सही 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 है भाई।